हम आज के वीडियो में आपको ड्रॉप बॉक्स से बच्चों को अपने विद्यालय में इम्पोर्ट करने का तरीका बताने वाले हैं। आप हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो को आप देखना, फॉलो करना, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको हर जानकारी दी जाएगी पूरी तरह से। लेकिन आप वीडियो को पहले एक बार ढंग से देखिए, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम खोलते हैं, क्रोम में डालते हैं गूगल पर यूडैश प्लस। उसके बाद जब ऑप्शन खोल के आता है तो हम यहाँ अपना जो स्टेट है उसको सेलेक्ट करते हैं। हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश। यहाँ सेलेक्ट किया हमने उत्तर प्रदेश, गो पे क्लिक करेंगे तो हमारा आईडी पासवर्ड खुल के मांगता है। अब मांगे विद्यालय की आईडी, यहाँ अपना आईडी डालिए, जो भी आपके विद्यालय की आईडी है, नीचे पासवर्ड है। उसके बाद में आता है कैप्चा, इसमें कैप्चा भरिए। जैसे इसमें आ रहा है 4523, ऐसे कैप्चा हर बार अलग आता है, उसे भरिए। भरने के बाद में इसे लॉग इन करिए। ऐसे खुल के आता है हमारा विद्यालय, तो इसमें हम देखते हैं हमारा सत्र आ रहा है 24-25। 23-24 का हमें कुछ नहीं करना है, 24-25 में खोलना है हमें। इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज के बाद हम देखते हैं कक्षा सिक्स में डैशबोर्ड आ जाता है हमारा, देखते हैं कक्षा सिक्स में बच्चे कितने हैं। यहाँ दिखाता है हमारा बच्चे 0 हैं। हम दूर करके देख लेते हैं कोई बच्चा अंदर पढ़ा तो नहीं। हमने देखा यहाँ दिखाता है नो रिपोर्ट फाउंड, कोई बच्चा हमारे यहाँ नहीं है। हम वापस जाते हैं डैशबोर्ड पे, यहाँ देखते हैं कि हमारा ऊपर से डैशबोर्ड है, स्कूल प्रोफाइल आ रहा है। हम देखना है इम्पोर्ट मॉड्यूल, यहाँ से बच्चे को हमें इम्पोर्ट करना है किसी अन्य विद्यालय से आया है तो। बच्चों को इम्पोर्ट खोलते हैं। यहाँ तीन तरह के आते हैं, इम्पोर्ट विद इन स्टेट, इम्पोर्ट आउट स्टेट और ड्रॉप बॉक्स। हमें काम करना है केवल आज इम्पोर्ट विद इन स्टेट पर। यहाँ हम गो करते हैं, खुल के आ जाता है। बच्चे का पैन है तो पैन भरेंगे, नहीं है तो गेट पैन और डीओबी आधार से निकालेंगे। बच्चे का आधार फिल करते हैं उसमें। अगर बच्चे के पास पैन नंबर है तो इसकी ऑप्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर नहीं है तो उसका हम आधार नंबर उसमें एंटर करते हैं। जो भी है आधार बच्चे का, तो आधार बोलते करते हैं। उसके बाद देखते हैं नीचे उसकी ईयर ऑफ बर्थ, 4 अंकों की संख्या होती है वो भर जाती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होता है। जैसे सब बच्चे की है 2014, वो हम एंटर करते हैं। उसके बाद भरने बाद सर्च करते हैं उसको, तो नीचे जब स्क्रॉल करते हैं ऊपर को, तो सर्च में हमारा बच्चे का स्टूडेंट का पैन नंबर और डीओबी दोनों क्लियर होकर आ जाते हैं। इसको यहाँ से पैन नंबर की कॉपी कर लेते हैं, डीओबी को कहीं लिख लेते हैं एक जगह, 1-1-2014 है, इसको यहाँ से हम क्रॉस करके हटा देते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट पैन नंबर पर उसे हम पेस्ट कर देते हैं, जो हमने कॉपी किया था वहां से पैन नंबर यहाँ कॉपी कर दिया। यहाँ डेट ऑफ बर्थ में आप पूरा लिखेंगे इस बार, ऐसे 01-01-2014 है। अगर एक तारीख है या दो है तो उसमें हमें 0 लगाना पहले कंपलसरी होता है। अगर हम 1-1 करके लिख देंगे तो इसे ले जाने का सबसे पहले, तो 01-01-2014। इसके बाद हम इसे गो पर क्लिक करते हैं, सब हो रहा है, देखते हैं हमारा बच्चा अब इम्पोर्ट करने लायक है या नहीं। ये दिखाई दे रहा है ड्रॉप बॉक्स में, जिस विद्यालय से आया है उसका नाम भी कर रहा है। बच्चे डिटेल चेक कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसे हम देखते हैं कौन सी क्लास में, कक्षा सिक्स के लिए हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। सेक्शन ए किया हमने, जिस डेट में अपने यहाँ रजिस्टर किया है उसको डेट को यहाँ डालेंगे, जब भी बच्चा आया था हमारे विद्यालय में किस डेट में दाखिला लिया हमने इसका। तो ये आता है हमारा 10-04 यानी 10 अप्रैल 2024। इतना करने के बाद हम इम्पोर्ट का बटन दबाते हैं। बच्चे की पूरी डिटेल दिखाएगा, देखो इसे कंफर्म कर देते हैं। यहाँ आपका बच्चा सक्सेसफुली हो गया। सभी साथियों से एक बार पुनः हम चेक कर लेते हैं कि हमारा बच्चा हमारी क्लास में आया नहीं आया। पुनः डैशबोर्ड पे जाते हैं, उसी को खोलते हैं हम डैशबोर्ड को।
बच्चा सच में डू और मैनेज करते हैं। अब देखते हैं हमारा बच्चा यहाँ आया है क्या नहीं आया। देखो तुलसी को हमने इम्पोर्ट किया था, तुलसी पूरा फीमेल पूरा डाटा आ गया है, अब जीपी भी इनके बाद में भर लेगा। धन्यवाद साथियों, हम आपको ऐसे ही